राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने भी कम का समय बचा है। इसी बीच कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट से सुलह की कोशिशों के बीच दिल्ली बैठक को लेकर अपनी बात रखी है। मीडिया से बात करते हुए सीएम गहलोत ने कहा, सचिन पायलट से सुलह परमानेंट है। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने दोनों बड़े नेताओं के साथ बैठक कर चर्चा की है। आलाकमान ने प्यार मोहब्बत से नेताओं को समझा दिया है कि ये सवाल व्यक्तिगत नहीं बल्कि भारत का है। आज देश को कांग्रेस की जरूरत है। वही मानेसर केस में अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने सबको माफ कर दिया है। ये बात उन्होंने जैसलमेर होटल से निकलते ही कह दी थी। भूल जाओ, आगे बढ़ो। अशोक गहलोत ने कहा कि वे सचिन पायलट को 2.5 साल की उम्र से जानते हैं। ये बात उन्हें खुद पायलट ने दिल्ली में हुई सुलह बैठक के दौरान बताई। RPSC पेपर लीक केस में सचिन पायलट ने आयोगी की पूरी कमेटी भंग करने की मांग की थी। इसको लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि वे हमारी पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए उनकी बात का वजन है। पायलट की मांग के बाद पता किया गया था, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। RPSC कमेटी को भंग नहीं किया जा सकता, ये संवैधानिक मामला है। अशोक गहलोत ने 25 सितंबर को समानांतर बैठक के मामले में कहा, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से दिया गया प्रस्ताव पारित नहीं होना मेरे लिए कल्पना से बाहर की बात थी। मैंने तब तनोट माता मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से कहा था कि 2 लाइन का प्रस्ताव पास होना है। हम सारा फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ते हैं। जब हम जयपुर पहुंचे तो मालूम पड़ा कि धारीवाल जी के घर विधायक इकट्ठा हुए हैं। परसेप्शन बना कि मैं ये क्यों करवा रहा हूं, जबकि हमें मालूम नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की कांग्रेस हमेशा हाईकमान के साथ रही है। मैं उस परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कैसी भी स्थिति आ जाए इस परिवार के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।